मेरा जो आप लोगों का इम्प्रेशन है, आप लोगों को मैं एज इन्फ्लुएंसर देखता हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं। आप लोग अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इंटरनेट पर न्यूज काफी ज्यादा नेगेटिव हो रही है। हम सिर्फ एक दूसरे को इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्यूशंस पर बात कोई नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग अपने अपने फील्ड में कुछ सॉल्यूशंस पे बातें कर रहे हैं, अगर उनके बारे में हम स्टोरीज लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद लोगों को एक होप मिल सकती है। उन लोगों की स्टोरीज दिखानी है जो एक स्टेप आगे बढ़कर कुछ उन पर सॉल्यूशंस लाना उन्होंने चाहा और अपने अपने लेवल पर करके दिखा। और इसी के लिए हमने भारत में ट्रैवल किया अलग अलग जगहों पर और वहां से स्टोरीज लाने की कोशिश। अगर आप सिर्फ आपके देश के बारे में बुरी चीजें ही सुनोगे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, आप ये करते हो ये बुरा है, आप ये करते हो ये बुरा है, आप ये करते हो ये बुरा है, तो आपको कहीं लगने लगता है ना कि इस देश के बारे में हर चीज बुरी है, इसे बस अभी छोड़ के जाना है हम लोगों को, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, मतलब दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और ये हम लोगों को कहीं ना कहीं बदलना था, इस मेंटेलिटी को बदलना था। माना यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब दिल में ऐसे अपनापन आएगा कि नहीं ये हमारा देश है, तो फिर आप सामने आओगे, आपको फिर वो प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं लगेंगी कि हम छोड़ देते हैं, बट ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, चलो इसे सुधारते हैं, चलो कुछ तो करते हैं कि हम इसको बेटर बना दे, चलो किसी की लाइफ तो हम चेंज करते हैं। वो रंग दे बसंती में वो एक लाइन है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है तो फिर एक दो ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो छोड़ दो, जाने दो और ऐसे समझ लो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, या फिर कुछ कोशिश करो उसे बदलने की। तो हमने ऐसे चाहा कि उन लोगों की कहानियां बताएं जो कुछ बदलने की कोशिश कर रहे। तो ये पूरा हमारा आइडिया था बिहाइंड 100 रीजंस टू लव इंडिया। क्या आप लोग अपने आप को देशभक्त कहेंगे? हमें हमारे देश से प्यार है, ये मुझे ज्यादा सिंपल और ज्यादा इंटीमेट लगता है। जब मैं एक देशभक्त ऐसे एक बॉक्स में चला जाता हूँ, तो फिर लोग ऐसे जनरली परसीव कर लेते हैं कि अगर ये देशभक्त है तो फिर ये देश के बारे में कोई बुरी बात कह ही नहीं सकता। मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल बैलेंस होके चलना होगा भाई। जो हमारी धरोहर है उसको अप्रिशिएट करें, जो जहां पे कमी है वहां पे कहें कि भाई यहाँ पे बदलाव आया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, और जहां पे बेहतरी हुई है उसको हम रिकॉग्नाइज करें कि देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे हाँ वुमेन सेफ्टी इम्प्रूव हुई है, पर अभी बहुत स्कोप बाकी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पीपल फार्म में जैसे जब भी नए लोग आते हैं ना, जो कि रोजाना आते हैं, तो हमारा उनसे एक सवाल होता है डिनर टेबल पे कि आपको अपने बारे में क्या नहीं पसंद। तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप दोनों को व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में क्या नहीं पसंद। मैं एक बहुत ही टिपिकल लड़की हूँ। आई हैव हैड आई बैटल्ड वेट इश्यूज माय एंटायर लाइफ। तो वो मैं खुद को बहुत ऐसे कम समझती हूँ, तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है कि मैं खुद को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करती हूँ। मैं खुद का काम बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करती हूँ, खुद के अपियरेंस को। आई एम वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ। तो ये तो है, मुझे बदलना है और उस पर काम चल ही रहा है, होप फॉर इम्प्रूवमेंट एज ही सेड। थैंक्स, ये आई रियली अप्रिशिएट यू शेयरिंग दिस। बहुत ही निजी बात है, पर आई थिंक कहीं पे जब आप जैसे लोग अपनी निजी बात शेयर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो कहीं पे लोगों को भी हिम्मत मिलती है कि नहीं यार, हमें अपनी कमियां छुपाने की जरूरत नहीं है। जितना हम लोगों से शेयर करें उतना देर विल बी एन ऑनेस्ट डायलॉग। हाँ जी, और मतलब हम कभी कभी अपने अपने थॉट्स में इतने रैप्ड होते हैं कि हमको लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम बाकी लोग भी शेयर फेस करते हैं। मतलब अभी कितने लोग ये फेस करते होंगे कि नहीं मेरे चेहरे पे ये झुर्री आ रही है तो फिर ये सही नहीं है, मेरे एक ग्रे हेयर है, मेरे नहीं है लेकिन बहुत लोगों के हैं, बट देर बी लाइक नहीं मेरे ग्रे हेयर है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे स्किन पे ये है अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है ये अच्छा नहीं है, और ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो फिर आई थिंक दैट पीपल शुड बी ओपन इन चीजों के बारे में कि ये सारी चीजें होती हैं। हाँ हम परफेक्ट नहीं है और हम उस पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कैंडर की बहुत जरूरत है लोगों को, क्योंकि लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं ये परफेक्ट है, लेकिन हर बंदे के इनसिक्योरिटीज होते हैं, हर पर्सन के ऐसे कोई चीजें होते हैं जो उनको पसंद नहीं आते खुद के बारे में। आप इतने अच्छे से अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं बिना लोगों को हर्ट किए, बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो जो और लोग कुछ मुद्दों को लोगों के आगे रखना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? अगर आपका टारगेट वैसे लोग हैं कि जिनके ओपिनियंस आपसे अलग हैं, तो उनको विलन बनाना हमें बंद करना होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जो बदलना नहीं चाहते, या फिर जिन लोगों ने अपने ओपिनियंस जो है वो रिजिड बनाए हुए हैं, हम उन लोगों को चेंज करना चाहते हैं।
तो हमें ये समझना होगा कि उन्हें विलेन बनाने से कुछ बदलने नहीं वाला, वो ऑफेंड ही होने वाला है। अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं, यानी अगर पानी का मुद्दा होगा तो फिर अगर आप होली के दिन पानी के ऊपर बात करते हैं तो फिर इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन पीपल्स माउथ। एंड अल्टीमेटली अगर आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि उनका मत परिवर्तन हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, तो आप हर बार उनको विलेन साबित करके उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते। तो आप झटके से नहीं बदल सकते, धीरे धीरे अगर बूंद पड़ती रहेगी तभी वो धीरे धीरे बदलेंगे, और ये एक जनरेशन में बदलाव आता है। कोई गलत चीज दिखती है तो आप सिर्फ कंप्लेन करके लोगों को चेंज नहीं करा सकते, आपको उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो उसमें कोई चीज गलत हो रही है। सेम अभी प्लास्टिक नहीं, रादर देन क्या गलत हो रहा है क्या सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि क्योंकि आजकल कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो ऑल यू हियर अराउंड यू इज कि नहीं ये गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, तो आप एक्यूजेटरी फिंगर जब पॉइंट करते हो तो सामने वाला बंदा डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं ये नहीं है नहीं व्हाटएवर, फिर तो व्हाट अबाउटिज्म शुरू हो जाता है कि अगर आप इस फेस्टिवल के बारे में बोल रहे हो तो उस फेस्टिवल के बारे में क्यों नहीं, आप सिर्फ इन लोगों के फेस्टिवल के बारे में बोलते हो। बेसिकली अगर आपको किसी कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर ऐसे मुद्दे पर बात करनी है कि जिसके जो आपके दिल के काफी करीब है लेकिन शायद वो लोग उतना डाइजेस्ट ना कर पाए, तो उनको एक ऐसे ऐसे मत खिलाइए, उनको ऐसे खिलाइए थोड़ा सा, तो फिर आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, आपका वीडियो ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे लगता है बस। You don't have to demonize anybody to make change, to bring about change. You have to give them a better alternative to do things. कि ये है, ये है। Like I talk a lot, मैं menstrual cups के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हूँ, तो मैं सारी लड़कियों का ऐसा गला पकड़ के बोल नहीं सकती कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो इसीलिए आप गलत हो, आपकी वजह से कचरा फैल रहा है। क्योंकि फैक्ट ये है कि सैनिटरी नैपकिन भी भारत में काफी कम लोगों को एक्सेस है। हाँ, तो मैं उनका गला पकड़ के उनको वैसे बात करूंगी तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू चेंज एनीबॉडी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उनको हैंड होल्ड करके कप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, उनके क्वेश्चंस मैं पेशेंटली आंसर करूं, डीएम्स पे भी मैं पर्सनली जाके आंसर करती हूं, तो शायद ही 5 लड़कियां 10 लड़कियां 15 लड़कियां शायद ही चेंज करने का डिसीजन ले रहे। तो किसी को विलेन बना के आप चेंज नहीं ला सकते, आपको उनके साथ जाके यू हैव टू ट्रीट देम एज फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, क्योंकि स्क्रीन पे किसी को सुनना और उनसे इंटरेक्ट करना एक जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो थैंक्स। यस यस हां जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। Yeah.